लोग स्टार्ट करेंगे स्टोरी, पीछे पेज में देखना कि टाइटल इन द हाउस पेज नंबर 107 है, इसमें जो है एक टाइटल के बारे में बोला गया है जिसका नाम है टिमोथी। टिमोथी द टाइगर कब वॉज डिस्कवर्ड बाय ग्रैंडफादर ऑन ए हंटिंग एक्सपीडिशन इन द तेराई जंगल नियर देहरा। टिमोथी इधर में कौन है? टाइगर कब। कब मतलब होता जो टाइगर का बच्चा होता है उसको बोलते हैं कब। द नेम ऑफ द टाइगर कब वॉज टिमोथी। डिस्कवर्ड मतलब खोज के पाना, इसको कौन खोज के पाया था? ग्रैंडफादर। ऑन ए हंटिंग एक्सपीडिशन, एक्सपीडिशन मतलब ट्रिप, जंगल में ट्रिप पे गए थे। वो जंगल कहाँ था? तेराई जंगल नियर देहरा, हिमाचल प्रदेश का देहरादून का जगह है जहाँ पर जंगल है, जंगल का नाम है तेराई। वहां से जो है ग्रैंडफादर को टाइगर कब को खोज के मिला। ग्रैंडफादर वाज नॉट ए शिकारी, ग्रैंडफादर मगर शिकारी नहीं थे। बट एज ही न्यू द फॉरेस्ट ऑफ द शिवालिक हिल्स, शिवालिक हिल्स मतलब हिमालय का जो पर्वत पड़ा उसके एक पर्वत का नाम है शिवालिक हिल्स, जहाँ पर देहरादून बसा हुआ है। और ग्रैंडफादर जो है वहां के रहने वाले थे, इसलिए उनको जो है शिवालिक हिल्स के बारे में बहुत अच्छा पता था। He was requested to accompany the party. It consists of several very important persons from Delhi to advise on the land and the direction the beetle should take once a tiger has been spotted. इसमें जो hunting team, hunting team मतलब शिकारी के दल, कौन जगह से आए थे? दिल्ली से। तो ये जो जितने शिकारी आए थे, ये grandfather को request किए कि हमारे साथ आप चलिए, क्योंकि आपको जो है शिवालिक हिल्स के बारे में पता है, हमें उतना कुछ पता नहीं है। और ये जितने दिल्ली से आए थे, ये जो है कौन थे? हंटर थे। हंटर मतलब शिकारी। उससे आपसे पूछा जाएगा हु वाज टिमोथी, टिमोथी वाज ए टाइगर कब। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 मार्क्स का आपका क्वेश्चन आएगा इसमें। उसके बाद पूछा जाएगा हु डिस्कवर्ड ग्रैंडफादर, तब लिखोगे who discovered Timothy, तब लिखना कि Timothy was discovered by grandfather. Next है the team, the hunting team came from which place? They came from where? From Delhi. उसके बाद next paragraph है the camp itself was equipped with 7 large tents, a dining tent and a number of servants' tents. जंगल में जाने के बाद उसमें क्या है, लोग कैंप किए थे। कैंप मतलब स्टूडेंट्स तांबू, जंगल के अंदर क्या घर नहीं होता, लोग को रहना है तो कहाँ रहेंगे, तांबू बना के वो रहते हैं, उसको इंग्लिश में बोलते हैं टेंट, TENT। उसमें क्या था, हाउ मेनी टेंट्स आर देयर? 7 टेंट्स। क्वेश्चन आएगा हाउ मेनी टेंट्स, तब लिखोगे 7 टेंट था। एक डाइनिंग टेंट और एक तो था डाइनिंग टेंट, डाइनिंग मतलब आप जहाँ हम लोग खाना पीना करते हैं, उसके डाइनिंग खाने के लिए भी एक अलग से टेंट बनाया गया था। ए नंबर ऑफ सर्वेंट्स टेंट, इसके अलावा कुछ कुछ सर्वेंट टेंट, सर्वेंट मतलब नौकरों का भी टेंट था जो खाना बनाते थे और उसको शिकारी का देखभाल भी करते थे। द डिनर वॉज वेरी गुड, हाउ वॉज द डिनर? द डिनर वॉज वेरी गुड एज ग्रैंड फादर एडमिटेड आफ्टरवर्ड्स। कैसे पता चला कि डिनर अच्छा था? कि जब वो शिकार से वापस आ गए तो ग्रैंडफादर क्या बोले कि जो वहां का जितना खाना था वो सब डिनर सब तक टेस्टी होता था। टेस्टी मतलब क्या? स्वादिष्ट। इट वॉज नॉट ऑफर वन सॉ हॉट वाटर प्लेट्स, फिंगर ग्लासेस एंड 7 or 8 courses। 7 or 8 courses, यहाँ कोर्सेस मतलब कितना तो आइटम खाना में बनता था, हाउ मेनी आइटम? 7 to, हर टाइम के का लंच डिनर हर में 6 से 7 आइटम बनाया जाता था। बट दैट वाज हाउ थिंग्स वर डन इन द डेज ऑफ द वाइसरॉयज। ये जो है स्टोरी, ये रियल स्टोरी है, ये मतलब सच स्टोरी है जो कि रस्किन बॉन्ड द्वारा है। राइटर इसमें कौन है? रस्किन बॉन्ड। देखो बच्चा लिखे हैं भैया नेम ऑफ द राइटर, रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड अपने ग्रैंडफादर के बारे में लिखे हैं। वाइसरॉय कब होता था? जब अंग्रेज जो है पहले हमारे देश में शासन करते थे, उसमें वाइसरॉय जो है शासन चलाते थे, इसलिए वाइसरॉय बोला गया है। There were also some 15 elements. शिकार में क्या गया, लोग जो
हाथी के पीठ में बैठ के गए थे। टोटल हाउ मेनी एलिफेंट्स आर, यदि क्वेश्चन में आएगा हाउ मेनी एलिफेंट्स आर देयर, 15 एलिफेंट्स, 15 एलिफेंट था, 4 ऑफ देम विथ हवाज, उसमें से 4 जो था हवाज था। हवाज मतलब ऐसा एलिफेंट जिसके पीठ के ऊपर में बैठने का सीट जैसा होता था। फॉर द शिकारी, शिकारी उसके ऊपर बैठ के, हाथी के ऊपर बैठ के शिकार करते थे। And the other specially trained for taking part in the beats. इसके अलावा और कुछ एलिफेंट रहते थे, उसके ऊपर शिकारी बैठते थे, क्या करते थे जंगल में देखना, जब शिकार करने के लिए जाते हैं लोग क्या करते हैं, ड्रम बजाते हैं, जिसके कारण क्या होता है जानवर डर के जंगल के अंदर से बाहर आ जाते और शिकारी का शिकार करते। मतलब वहां में क्या रहेगा, ड्रमर भी था। ड्रमर मतलब द पर्सन हू बीट्स ड्रम, ऐसा लोग जो कि ड्रम को बजाते थे। इतना ही पैराग्राफ है बच्चे, ध्यान से आप देखिएगा और फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में अगला पैराग्राफ करेंगे।